यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और मैंने पूजा कर ली है। चलिए आपको दिखा देती हूँ, दिया बत्ती कर दी है, क्योंकि एक जन का कमेंट आया था कि आप तो पूजा करते नहीं हो, कहते हो पूजा कर ली। चलो आपको दिखा देती हूँ, मैं डेली नहीं दिखा पाती हूँ चीज़ों को। चलिए आपको दिखाती हूँ, वाले रूम में पहुँच गई हूँ और चलिए आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो दिया मैंने जला दिया है, ये देखिए। मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। इस समय बज रहे हैं 8:30, तो 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है, नाश्ता बन चुका है और बाकी जो घर के काम होते हैं ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं। तो चलिए नाश्ता करते हैं। आज सिंपल सा नाश्ता बनाया है, पूड़ी और सब्जी। चलिए, तो ये है हमारा नाश्ता, कद्दू की सब्जी और पूड़ी, ये बनाया है नाश्ते में। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और आपको बताऊँ, यही टिफिन आज मैंने तेजस को दिया है, कद्दू की सब्जी और पूड़ी। बढ़िया बनी है, कभी कभी सब्जी पूरी अच्छी लगती है नाश्ते में कभी कभी, और कद्दू बहुत ज़्यादा आ गया था हमारे यहाँ। इससे पहले वाले दिन भी मैंने जो है रात को कद्दू बनाया था। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो फटाफट हो जाती है। किस किस को कद्दू खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें पसंद है, तेजस को बहुत पसंद है कद्दू की सब्जी और चावल, उसके बिना तो उसका खाना ही नहीं होता पूरा। अगर कद्दू की सब्जी बनी है तो चावल ज़रूर बनना चाहिए, वैसे चावल वो नहीं पसंद करता है, अगर जब कद्दू की सब्जी बनी है तो चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो नाश्ता कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं शाम की तैयारी कर रही थी डिनर की और तेजस बैठे हैं। आज जो आपको व्लॉग मिल रहा है वो मेरा 3-4 दिन पहले का व्लॉग है। मैंने इधर भी 3-4 दिन से कोई भी शूट नहीं किया है, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये जो भी व्लॉग्स आपको मिल रहे हैं वो मेरे काफ़ी दिन पहले के हैं, मतलब कि 4-5 दिन पहले के हैं जो भी आपको मिले हैं, अभी रिसीव हुए हैं जो भी व्लॉग्स वो। और चलिए चलते हैं किचन में और डिनर की तैयारी करते हैं। जा रही हूँ राजमा, और कल मैंने रात को सोक किया था मगर मॉर्निंग में मैंने नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि चलो नाइट में बना लेते हैं, ख़राब नहीं होता। मैंने फ्रिज में रख दिया था सोक किया हुआ राजमा। ना ही मैं मसाला पीसूंगी, ना ही कुछ करूंगी, केवल एक ही कुकर में सारा काम करूंगी। तो चलिए ये ट्रिक आपको बता देती हूँ किस तरह से मैं करती हूँ। सबसे पहले तो ऑयल डाल दूँ, ऑयल डालना ही भूल गई। ये राजमा बहुत ही जल्दी बनता है, फटाफट बनता है। इस तरह से आप छोले भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। और आप देखते हो अक्सर करके मैं कुकर में सब चीज़ बना लेती हूँ, सब चीज़। तो ऑयल हो जाए, तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन और प्याज। हरा मिर्चा मैं नहीं डाल रही हूँ, कश्मीरी मिर्च डालूँगी इसलिए हरा मिर्चा नहीं डाल रही, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। फिर लहसुन डाल दिया, अनियन को डाल दिया, तो रफली चॉप करके मैं एक टमाटो डाल रही हूँ। ज़्यादा टमाटो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो टमाटो की बीज होती है वो हमारे स्टमक को नुकसान करती हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी, ऐड करूँगी सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है ये इस तरह से राजमा छोला बनाने का। थोड़ा से जायफल और एक तेज पत्ता, ज़्यादा नहीं लिया है, गर्मी का समय है टेस्ट के लिए लिया है बस। तो इसमें मैंने दिया है हल्दी, धनिया, मिर्चा, मीट मसाला और कश्मीरी मिर्च,
बस इतना से मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी यूज़ किया है, आप 1 गिलास डाल सकते हो ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से गल जाए। 2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और सीटी दे देंगे, 3-4 सीटी दे देंगे, हमारी प्याज आराम से गल जाएगी। हस्बैंड आ चुके थे तो उनको चाहिए था शरबत, तो मैंने सोचा कि चलो आज खसखस शरबत बनाते हैं। तो सिंपल सा मैंने खसखस शरबत बना दिया, रूह अफ़ज़ा नहीं बनाया, मैं चख के देख रही थी कि मीठा है कि नहीं है, क्योंकि उनको मीठा अधिक चाहिए होता है शरबत में। ये है खसखस शरबत, चलिए देख के आते हैं। तो मैं पी रही हूँ खसखस शरबत, मेरे को बहुत देखा लगता है तेजस को पसंद नहीं आया खसखस शरबत। किस किस को खसखस शरबत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, रुआबजा भी पसंद है, ये भी बहुत पसंद है। जो भी आपको डिस्टरबेंस व्लॉग में सुनाई दे रहा है वो इसकी वजह से था, मेरे घर के बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था इसलिए मैंने शूट कर लिया। तो ये हमारा डिनर तैयार हो गया है और इसकी रेसिपी फुल नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सिंपल सा मसाला को गला कर उसमें राजमा डाल के मैंने भून लिया था बहुत अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप चेहरा देख सकते हो कितना उतर गया है, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, राजमा ही चावल है आज के खाने में। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये व्लॉग है, मैं कल शूट नहीं कर पाई थी, किस वजह से शूट नहीं कर पाई थी ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी मेरे साथ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपल सा नाश्ता रखा है और बनाई है मैंने लस्सी, इसकी रेसिपी आज मैंने शेयर नहीं की है और जिस दिन मैं रबड़ी वाली लस्सी बनाऊंगी उस दिन इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। ये सिंपल वाली लस्सी है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को आता होगा बनाना और रबड़ी वाली लस्सी बहुत कम लोगों को आता है बनाना, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी किसी दिन। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करते हैं। फ्रेंड्स, कल का व्लॉग मैं कम्प्लीट नहीं कर पाई थी, रात को मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खाना बनाते बनाते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपसे बात भी नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। मैंने पफ ले लिया, स्टीम ले ली, सब कुछ कर लिया था मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, खाना भी मैंने ढंग से नहीं खाया था। तो जब मैंने नहीं खाया तो किसी ने ढंग से नहीं खाया, तेजस ने भी ढंग से नहीं खाया था, तो हस्बैंड ने भी नहीं ढंग से खाया, किसी ने नहीं मन से खाया खाना, बस ऐसे ही खाना खा लिया था। मैंने तो बहुत कुछ प्लानिंग की थी कल के लिए, राजमा के साथ ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं किया था, सिंपल सा राजमा चावल ही निकाल लिया था। तो बात इस सीज़न की पहली बार मैं लस्सी पीने जा रही हूँ, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कैसी लग रही है देखने में। साथ में है कल वाला राजमा और रोटी, रोटी मैंने अभी बनाई है, फ्रेश रोटियाँ हैं। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाती हूँ, ये है हमारा सिंपल सा नाश्ता, लस्सी और राजमा और रोटी। तो फ्रेंड्स, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिव बाय।